इतने दिनों से मैंने आपको एक बात समझाई, हजारों तीर्थों हैं, हजारों परमात्मा की प्रतिमा है, विश्व के अंदर सबसे प्रभावकारी प्रतिमा यदि कोई परमात्मा की है तो कौन से भगवान? शंखेश्वर पार्श्वनाथ। लेकिन इस संघ में मैंने आपको बार बार एक बात समझाई, प्रभाव के लिए तो हम बहुत दौड़े, यह संघ प्रभाव के लिए नहीं है। किसके लिए है? प्रभाव। मेरे दादा प्रभाव बढ़ाए या ना बढ़ाए, मेरे दादा मेरा स्वभाव यदि सुधार दे तो भी मेरा बेड़ा पार। करीबन 40 साल पहले की एक घटना याद आती, इसी शंखेश्वर दादा के तीर्थ में एक श्रावी का बंबई से आया। पूजा के वस्त्र में नहीं थी, गंभारे के बाहर दर्शन कर रहे थे, अंदर एक महिला पूजा कर रही थी। पूजा करती हुई महिला को देखकर बाहर में रही हुई महिला ने कहा, बहन जी बोलिए, मेरे वस्त्र पूजा के नहीं गए, मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मेरी एक भावना है, इस दादा को सोने का चैन चढ़ा दो, आप पूजा के कपड़ों में आपके हाथों से चढ़ा। पहले के जमानों में जब आदमी शत्रुंजय जाता पालीतान पास वाले को पता चलता तो क्या कहते, तमें जाओ छो तो मारा रुपी अग्यार रुपया ना फूल चढ़ा। एग्जैक्टली क्या है वो जमाना, साल में एक बार भी यात्रा नहीं होती थी, आज जैसी बस सुविधा नहीं थी, और बिना सुविधा की होती हुई वो यात्रा जीवन भर याद रहती। महिला ने बाहर खड़े खड़े कहा कि आप दादा की पूजा कर रहे हो, पूजा के कपड़े हैं, मेरे पास कपड़े नहीं, एक काम कीजिए, मैंने प्रभु की मानता की थी, सोने की चैन चढ़ा आपके हाथों से दादा को चढ़ा। पूजा के कपड़े में रही हुई श्राविका ने कहा कि ठीक है, मैं आपके नाम से दादा को चढ़ा दूंगा। बाहर आई महिला के पास से सोने की चैन दादा के सामने जाकर खड़ी रहा। चढ़ाने के पहले प्रभु से प्रार्थना कर, क्या दादा आज तो मैं कोई दूसरी औरत की चेन चढ़ाती हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि आपको मैं सोने की चेन चढ़ाऊं, मुश्किल से मैं आपको फूलों का हार चढ़ा सकती हूँ, सोने की चेन चढ़ाने का मेरे पास कौवत नहीं है, लेकिन तेरी कृपा से जल्दी से जल्द मैं तुझे सोने की चेन चढ़ाऊ मेरे हाथों से, ऐसी कृपा कर। याद रखना, गया हुआ पेमेंट वापस आ जाए दादा की कृपा से, वह दादा का प्रभाव है, और आए हुए पेमेंट में से दादा की भक्ति कर लू, वो दादा का प्रभाव।